हमने जो कि ये हमने तीन वाला विंडो का चौकट जो बनाने के लिए हमने कुछ इस तरह से जो कि तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पे। देख सकते हमने जो कि फाइनली इसका आलू वगैरह कटिंग करके फाइनली पूरी तरह से जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हमारा कटिंग करने का काम जो कि सारा हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली जो कि इसके सारे रैबिट कटिंग करके जो कि पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं हेलो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था मैंने जो कि तीन पहला विंडो का चौकट जो बनाने के लिए हम उसका मार्किंग वगैरह किया था, तो दोस्तों उसी चौकट बना को हम जो कि आज बनाकर फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने जो कि लकड़ी वो कहाँ तक जो कि काम करके इसको रखा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कि ये हमने तीन पहला विंडो का चौकट जो बनाने के लिए हमने कुछ इस तरह से जो कि तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये जो मार्किंग वगैरह सारा लगा के पहले से रेडी करके हमने रखा हुआ है। और दोस्तों आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा कि मैंने इसको किस तरह से मार्किंग वगैरह किया है, तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके जो कि चेकआउट करेगा। तो दोस्तों आज भी हम जो इसको जो हमने जितने भी सारे मार्किंग वगैरह लगाया हुआ है तीन सारे मार्किंग वाले जगह पे कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम इस पे बीच में हमारा यहाँ पे होल करने वाले हैं दोनों जगह पे, और हम इस मार्किंग वाले निशान पे जो हम कटिंग करना है ये सारे, और इस पे तो हम आल फेंकने हैं। तो चलिए ये सारा कटिंग करेंगे, तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से कटिंग वगैरह करके तैयार करता हूँ। साथ ही हम इसके रैबिट भी कटिंग करना है, तो रैबिट जो हम इसके कटर मशीन से कटिंग करने वाला, तो आप लोग देखिए मैं इसका रैबिट जो कटर मशीन में किस तरह से कटिंग करता हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली जो कि चौकट का मार्किंग जो लगाया हुआ जगह पे हमने सारे जो कि तैयार कर लिया, जो हमने कितने हमें कटिंग करना है उसका हमने मार्किंग जो कि वो हमने लगा दिया है। तो दूसरे आप देख सकते हैं ये जो निशान लगाया हमने ये वाला निशान को हम कटिंग करके ये वाला फेंकने वाले हैं, और इसके ये बीच वाला पार्ट को हम देखिए पेंसिल का निशान जिस तरह लगाया हुआ है उस तरह से हमें बीच वाला निकल कर फेंकना है। इसका भी सेम उसी तरह का है, और इस पर
ये वाले दोनों पे अल कटिंग करना है। इस साइड में जो कि हम ये वाले इस वाले मार्किंग से लेके इस मार्किंग तक हम कटिंग करके बीच वाला रखना है, दोनों साइड का फेंकना है। और इसके पीछे साइड में देख सकते हैं इस साइड पे छोटा है, इस साइड में छोटा होगा साइड बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड छोटा इस साइड बड़ा है, तो सेम उसी तरह से कटिंग करके यहाँ पे एडजस्ट होने वाला है। तो और दोस्तों हमारा जो कि इस तरफ निशान नहीं है, इस तरफ का निशान है, तो ये वाला हमारा डबिट काटना है। ये हमारा डेढ़ इंची में एक सूता हमने कम कर दिया, डेढ़ इंची ये इसका चौड़ा जो है, डेढ़ इंची में एक सूता कम है। और उसके बाद जो कि इसके मोटाई जो कि हम यहाँ में एक हाफ इंची कटिंग करने वाले, हाफ बाई डेढ़ इंची का रबिट कटिंग करके निकालना है। और इस पर हम ये जो मार्किंग है इसको हम कटिंग करके बराबर करना है। तो चले सारा हमारा मार्किंग लगाते हो चुका तैयार, तो अब इसको जो है कि कटिंग वगैरह करने का काम करेंगे, फिर इसका रबिट वगैरह कटिंग करके जो कि हम इसको फिटिंग वगैरह करने का काम शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने फाइनली जो कि सारे कटिंग वगैरह करने का काम जो सारा हमने करके रेडी कर चुका हूँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा कटिंग करके हो चुका है तैयार, लेकिन अभी हम सबसे पहले जो कि इसका ये आलू जो है कि ये आलू वगैरह सारे कटिंग करके कम्प्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसके जो कि रबिट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका फिटिंग करने का काम शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहेगा।
जैसे आप देख सकते हैं हमने जो कि फाइनली इसका आलू बुरा कटिंग करके फाइनली पूरे से जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं हमारा कटिंग करने का काम जो कि सारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अभी हमारा जो कि यहाँ पे रबिट कटिंग करने का काम जो कि वो रह गया है, तो हम जो कि देख सकते हैं वहाँ पे कटर मशीन रखा हुआ है, तो उसी कटर मशीन से हम इसका रबिट वगैरह कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बने रहेगा और देखिएगा मैं जो कि कटर मशीन से जो कि इसका रबिट किस तरह से जो कि कटिंग करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली एक बटन का जो कि हमने चौकट का बटन पे रबिट कटिंग करके हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने जो कि कटिंग कर लिया। तो दोस्तों ये वाला हमारा चौकट के बीच वाला पार्टीशन कर लिया था, तो इसलिए हमने इसके दोनों साइड जो कि इसका हमने रबिट कटिंग कर लिया और साथ में देख सकते बीट कितनी अच्छी तरह से 1/2 इंच का बीट एक निकल गया है। तो चलिए हमारा एक पीस तो कटिंग करके हो चुका है तैयार, इसी तरह हम और बाकी सारे हैं वो सारे कटिंग करके कंप्लीट करते हैं, फिर उसका जो कि हम इसको फिटिंग करने का काम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली जो कि इसके सारे रबिट कटिंग करके जो कि पूरे से हमने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कुछ इसे हमने कटिंग करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों हमारा रबिट जो सारा कटिंग करके हो चुका है कंप्लीट, अब दोस्तों इसका रह गया है फिटिंग करने का काम। तो चलिए इसका फिटिंग भी करते हैं। फिटिंग करने के बाद जो कि दोस्तों जैसे कि हमने इस साइड से रबिट काटा है, लेकिन इसके साइड इस साइड में जो ये धार है, तो इसे हम जो हम यहाँ पे नास बोलते हैं, तो हम इसके नास का डिजाइन जो कि वो कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले फिटिंग करके पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके नास का डिजाइन जो कि वो कटिंग करते हैं।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली जो कि ये तीन पला विंडो का चौकट जो कि हमने बनाकर पूरी तरह से हमने तैयार कर दिया। देख सकते हैं कुछ इधर बनाकर हो चुका तैयार। दोस्तों हमारा विंडो पला का चौकट जो कि हमने इसे बनाकर पूरी तरह से कर दिया तैयार, और साथ में इसके जो कि सैंड पेपर वगैरह भी मारकर इसका हमने अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से हमने यहाँ पे जो कि जैसे कि जगह पे हमने बराबर कर दिया। तो हल्का सा जो कि अप डाउन हो रहा था उसका हमने सारे सैंड पेपर मार के इसको बराबर कर लिया हूँ, और हमने इसको दोस्तों पलट भी लिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं नीचे साइड हमारा रबिट जो कटिंग हुआ नीचे हमने पलट दिया हूँ। अभी इसके साथ में जो कि नाश्कर जैन जो है वो कटिंग कर रहे हैं जैसे इस धार पे, तो इसका नाश्कर जैन जो है वो कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने जो कि रोटर मशीन भी यहाँ पे हमने लेके रख लिया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये रोटर का बीट जो कि हमने ये लगा दिया, तो हाफ बाई हाफ इंच में इसका जो कि नाश का डिजाइन कटिंग करने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप कैसे कटिंग करने काम शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए मैं रोटर मशीन से इसका नाश का डिजाइन कटिंग करके कंप्लीट करता हूँ। तो चलिए आप लोग बनाएगा वीडियो पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा विंडो का चौकट जो कि फाइनली पूरी तरह से बनकर हो चुका है तैयार। तो हमने इसका जो कि रोटर में से नाश का डिजाइन जो कटिंग किया है दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डिजाइन में कटिंग किया है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों जो कि कटिंग करके हो चुका है तैयार, देख सकते हैं। तो हमारा दोस्तों तीन पल्ला विंडो का चौकट तो बनकर फाइनली पूरी तरह से हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों मेरा काम करने का तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे भी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जाके तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।